इसे इस तरीके से लेफ्ट करके लेफ्ट ऑल ब्रेथ यक्स और टू यक्स प्लस वन, क्योंकि ब्रेथ जो है डिपेंड है ग्रेविटी पर, करके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं लेंथ ब्रेथ का प्रोडक्ट एरिया होता है और एरिया दिया गया है, इसलिए इसका प्रोडक्ट करके एरिया के ऊपर रखा, ये इक्वेशन बन गया ब्रेकेट ओपन करने पर। अब इसे ग्रेटिंग रूल से फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाता है 2x² प्लस 33x, क्योंकि अभी हमने कल बताया था 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या आ जाएगा 1056, और उसका ऐसा दो पार्ट करेंगे इसका कि प्रोडक्ट जो है उसी 1056 के हो और सम जो है प्लस 1 के हो, तो यहाँ -32। इसका सम जो होगा अगर करेंगे तो प्लस 1 होगा, प्रोडक्ट करेंगे तो -1056 -32। इसे भी आगे सॉल्व करना है, ब्रेकिंग रूल से क्लियर बनाना है, काम लेना है और टू फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जैसे आप नाइन में भी आप पीछे पड़ चुके हैं पैसा। तो इसका टू फैक्टर बनाना है, फैक्टर बनाने के बाद उसे 0 के इक्वल रख करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव निकलती है तो अब मान्य नहीं है, तो वहां लिखेंगे एक साल करके मैं दिखा देता हूँ आपको, 2x² प्लस 33x -32x -520। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर केवल सॉल्व कर दिया है और सॉल्व करने के लिए कहे तो x की दोनों वैल्यू चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उसका आंसर होता है, क्योंकि तो रूट निकालने रहते हैं तो रूट चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। लेकिन वो प्रॉब्लम क्वेश्चन है, यहाँ निगेटिव आंसर मान्य नहीं है, केवल पॉजिटिव आंसर मान्य है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर यक्स काम होगा, आएगा 2x प्लस 33 और यहाँ पर -32 का मान लेंगे, आएगा यक्स 16 का मान लेंगे माइनस में, आएगा 2x प्लस 33 0। फैक्टर्स हो गए टू, इसके टू फैक्टर्स होंगे 2x प्लस 33 और यस -16 0। इफ आगे इधर देखो जरा, इफ टू एक्स प्लस 33 और एक्स -16 0। इफ अगर ऐसा है, इफ लिखते हैं इफ 2x प्लस 33 0 देन x इक्वल टू -33 अपॉन 2, और इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं इम्पॉसिबल। If x -16 is equal to 0, then x is equal to 16। ये आंसर करेक्ट है, अब लिखेंगे यही आंसर मान्य है, निगेटिव आंसर मान्य नहीं होते हैं जहाँ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हो क्वांटिटेटिव इक्वेशन। देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट
rod is equal to 2 into 16 plus 1, इसी केसे में वैल्यू करते हैं, तो आ जाता है 33 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 16। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, इसका केवल हम इक्वेशन बना करके आपको दे देंगे और ब्लेंड भी कर देते हैं टू पार्ट में। आप उसे टू पार्ट में हम इक्वेशन बना देंगे, टू पार्ट में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ब्रेकिंग रूल लगा करके। आगे आप फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा पेयर बना करके टू टर्म का कॉमन ले करके और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ए सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हम लेट करते हैं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर बी एक्स। Let the first positive integer be x, then second integer is x plus 1। आप जानते हैं कि जो integer है consecutive उसमें एक add करने पर अगेंस्ट इंटीजर आपको मिल जाता है, जैसे 3 है इसमें एक जोड़ दीजिए तो 4 मिल जाएगा, तो 3 4 एक टू इंटीजर्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ लेट किया है x पहले को और दूसरे में एक जोड़ करके सेकंड वाला हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें इसका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो हम लिखते हैं x x प्लस 1 इक्वल टू 306। अब ये तो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इसमें टू जीरो इसे ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को और यहाँ पर ब्रेक करने के सिस्टम में बता दे रहे हैं 306 से पहले करते हैं ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन आप स्वयं कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकालिएगा तो एक्स की वैल्यू निकलेगी और वो भी पॉजिटिव, लेकिन मान्य नहीं भी हमने बताया, तो पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वह फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा, उसी में एक ऐड कर देंगे एक्स की वैल्यू रख करके तो सेकंड इंटीजर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही पार्ट थर्ड आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, हमने अधूरा आपको करके दे दिया है। अगला क्वेश्चन है रोहन मदर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है वो
पुरानी है, ओल्डर माने बड़ी है, ये 26 ईयर बड़ी है इससे रोहन से। तो लेट द एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी यस यस मदर एज इज इक्वल टू यस प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर और बड़ी थी इसलिए इसमें ऐड कर दिया मैंने 26, तो हम का एक्स किया और उसमें ऐड कर दिया 26 से मदर एज हो गई। और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 वर्ष बाद उनके आयु का प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 3 वर्ष पहले की 3 वर्ष बाद किसकी आयु होगी, यस प्लस 3, और इसकी माँ की आयु होगी यस प्लस 26 में ये भी ऐड हो जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट है वो है 360। यहाँ तक इक्वेशन बनेगा होगा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इजिकल टू 360। अब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, एक्स स्क्वायर सॉल्व करने पर ही आएगा प्लस 32 यस प्लस 87 इजिकल टू 360। इसको इधर लाइए तो यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 इजिकल टू 360। प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल नंबर्स एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 29 वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। All term transport in one side as left side. So x square plus 32x plus 87 minus 360 is equal to 0. Again x square plus 32x और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 से 87, तो आएगा 07 सब्ट्रैक्ट करने पर 3 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा नहीं तो कह दीजिएंगे 50 माइनस 8 इज 27, 273 इस पर भी। अब यहाँ पर मिडिल टर्म आप
ब्रेकिंग रूल से टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर फोर टर्म हो जाएंगे, फिर कॉमन लेकर के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एज ऑफ रोहन होगी प्रेजेंट एज ऑफ, और उसकी माँ की एज में एक्स में 26 ऐड करके और माँ की जो एज है फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से अगेन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज फोर अगेंस्ट क्वेश्चन फोर है, उसमें है और ट्रेन ट्रेवल्स और डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इफ वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम यहाँ लिख करते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड ऑफ ट्रेन क्योंकि ट्रेन की यहाँ पर दो स्पीड है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है और एक उससे कम की स्पीड है। लेस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स माइनस ए किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। आप ये जानते हैं कि यदि हम जो डिस्टेंस है उसे डिवाइड कर दें स्पीड से तो टाइम निकलता है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है कि तीन घंटे अधिक लग जाती है यदि स्पीड कम हो जाती है दिया, तो हम पहले दोनों समय निकालेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर का और लेस स्पीड से 480 किलोमीटर का। तो ये टाइम निकलेगा 480 अपॉन एक्स माइनस ए, ये लेस से जो समय निकला है वह है डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया स्पीड से। इसी में से यदि हम घटा दें माइनस कर दें यूनिफॉर्म स्पीड से वह डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर करने में जो टाइम लगा, तो हमें आना चाहिए क्योंकि जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा होगा, और यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा टाइम ज़्यादा है, ये कल्पना हमने दी ठीक है कि यहाँ पर टाइम अधिक लगेगा क्योंकि स्पीड कम, यहाँ स्पीड अधिक है लेकिन टाइम स्पीड ज़्यादा है, तो यह टाइम जो है वो कम होगा। तो अधिक समय से कम समय घटा देते हैं तो 3 घंटे जो अधिक लगता है वह आ जाता है। इस तरीके से हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, एक्स एक्स माइनस से इसका एलसीएम होगा, इसे डिवाइड करेंगे एक्स आएगा तो आएगा 400, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एक्स से 480x माइनस, जब इसे डिवाइड करते हैं इसे तो एक्स माइनस एट आता है और माइनस 480 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 480 एक्स आता है प्लस
जीरो फोर अब इसके बाद हम ये निगेटिव पॉजिटिव है पढ़ जाते हैं आकार 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स टू थ्री। डिनोमिनेटर वन रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 3x² - 24x = 3840। टर्मोन साइड में करते हैं जवाब है टर्मोन साइड में करते हैं तो आ जाता है 3x² - 24x - 3840। अब हम यहाँ पर इससे हाल टर्म को 3 से डिवाइड कर देते हैं डिवाइड हो जाता है तो आ जाता है x² - 8x - 1। हमने इसमें आर टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया -3840 = 0। फिर इसे आर टर्म को हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाता है x² - 8x - 1280 = 0। अब हम जो है इसका फैक्टराइजेशन करते हैं मिडिल टर्म को ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और होगा 1280 को फैक्टराइज कर दें 2 से 6 और 0 2 से 3 0 1 से 0 1 0 से 40 हो जाएगा x² - 40x + 32x - 1280 = 0। इसी को फैक्टराइज कर लेंगे आप और x की वैल्यू निकाल लेंगे जो आएगी वो स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। The end.